आज कार्तिक कृष्ण तृतीया मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 है। श्री जी में आज से अन्नकूट सेवा के तहत घन की सेवा प्रारंभ हो गई है। आप सभी को बधाई। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखना। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पूर्व आइए आज के दिवस की दो विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रातःकाल मंगला के समय के हैं। स्थल चौपाटी बाजार नाथ द्वारा है। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी में आज से अन्नकूट की भोग सेवा के तहत घन सेवा प्रारंभ हो गई है, जिसके तहत तिलकायश्री की आज्ञा प्राप्त श्री जी भक्त सेवक इस समय अपने अपने टोल कहत ब्रजवासियाँ पद का गायन करते हुए श्री जी मंदिर की परिक्रमा के लिए निकले हैं। इस परिक्रमा के पश्चात श्री जी मंदिर के पंड्या श्री परेश जी नागर द्वारा विधि विधान से घन की सेवा प्रारंभ करवाई गई। दूसरी विशेषता यह है कि प्रभु श्री जी को आज राते पीरे टिपारा का श्रृंगार धराया जाता है। राते और पीरे देसी ब्रज भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ लाल और पीला होता है। जय श्री आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों दीपोत्सव की भावना से गोवर्धन लीला के श्रृंगार धराए जा रहे हैं। इसी भावना से प्रभु श्री जी को आज राते पीरे टिपारा का श्रृंगार धराया गया है। यह नियम का श्रृंगार है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक
प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम आधार वस्त्र पर रूपहरी जरी से उकेरी गई गाय एवं बछड़ों की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रूपहरी जरी की ही किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंड पाठ पर भी रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की त्रिष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल रंग की सलीदार जरी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। पटका पीली मलमल का धराया गया है। सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं और पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र पीले धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्रीकंठ में आज विशेष रूप से प्रभु को कली, कस्तूरी एवं वैजंती माला धराई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग के ही टिपारा का साज धराया गया है। टिपारा के साज में आज विशेष रूप से पेच और तुर्री दोनों पीले रंग के धराए गए हैं, जिनके साथ बीच में मोर चंद्रिका एवं दोनों तरफ दोहरा कतरा धराया हुआ है, साथ में शीश फूल भी धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज रत्न जड़ित फिरोजा के ही मकराकृति कुंडल धराए गए हैं, साथ में मीणा की चोटी जी भी धराई हुई हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त
एवं चोटी जी पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित फिरोजा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज दो वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित फिरोजा के और एक स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का, रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाघ बकरी वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में गोद बैठे गोपाल कहत हैं, राजभोग में मदन गोपाल गोवर्धन धारी, आरती में बोल लिए सब ग्वाल, शयन में जयत जयत श्री गोवर्धन उद्धरण धीरे, मान के पद में रूप रस पुंज बरनो, पोढ़वे में रुच रुच सेज सजाई, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। आज से प्रभु के समक्ष नित्य सरस लीला के कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला श्रृंगार राजभोग भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के आवरण बड़े कर छेड़ान के आवरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर टिपारा रहता है और लोम तुर्रा आज नहीं धराए जाते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि शयन के दर्शनों के समय प्रभु श्री जी में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है। आप भी दीप झाड़ पर दीप प्रज्वलन कर परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गोद बैठ गोपाल कहत ब्रज राज सो, अवतात एक बात
सुमति माए लाल को कंठ लगावे, बार बार जल पीवे चूम कर नयन छुवावे, सात बरस को साम रो सात दोष एक हाँ, गिरधारो बल देव के तो प्रभु वैकुंठ नाथ करत रज राज लोग करत ब्रज राज दुआई, जय जय शब्द उचार गमारो देव को नाई, दयासीस घर को चले ग्वाल गोप ब्रजनार, ब्रज जन गिरिधर डारो सर्वसुवार कहत ब्रज राज सो, गोद बैठ गोपाल कहत ब्रज राज सो। दीपन की सुंदर युक्ति बना
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।